अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइज, उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का जो वैकेंसी अपडेट करने वाला हूँ ये सऊदी अरब का है, ठीक है। सऊदी अरब के अंदर एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के लिए बंदे चाहिए, हॉस्पिटल क्लीनर, ठीक है। और ये कोई सप्लायर कंपनी नहीं है, यानी जो वीज़ा लगेगा गवर्नमेंटेड वीज़ा लगेगा, जो हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल का नाम है, हॉस्पिटल का जो नाम है वो है मुस्तशफा खालिद, किंग खालिद, ठीक है। जो हॉस्पिटल का नाम है वो मुस्तशफा किंग खालिद, ठीक है, रियाद के अंदर है। तो इसके अंदर 200 बंदों का रिक्वायरमेंट है, जो इंडोर क्लीनर चाहिए, ठीक है। तो हॉस्पिटल में जो है ना, ऊपर से कमाई बहुत अच्छा होता है। अगर आप कभी सऊदी में रह के आए होंगे या और कोई आपका जानने वाला सऊदी में रह रहा होगा, तो हॉस्पिटल में अगर कोई भी ड्यूटी कर रहा है तो उनसे आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ऊपर से कमाई बहुत ज़्यादा होता है और काम जो रहता है हल्का फुल्का काम होता है, सब मशीन सिस्टम होता है, साफ सफाई का, ठीक है। तो इसके अंदर पासपोर्ट एसीआर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी बंदा इस जॉब को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उम्र उसका पासपोर्ट के हिसाब से 21 कंप्लीट होना चाहिए और लास्ट 40 तक भी है तो भी इस जॉब को आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस जॉब के बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो अगर आप लोग ये चाहते हो कि हमारा जॉब जो है अप्लाई करूँ और मेरा काम जल्दी से हो जाए सिलेक्शन और जल्दी में चले जाऊँ, कोई भी आपको पैसे जो है ना एडवांस नहीं देना है, वीजा सब रेडी है, अगर आप चाहेंगे तो 10 दिन के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊँगा, बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो भगाओ नहीं, पूरी वीडियो को अच्छे से देखो, सारे डिटेल समझ लो। अगर आपको जाना हो तो इस जॉब में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है और किस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, जो नंबर भी मैं इसी वीडियो के अंदर दूंगा, तो आपको इस जॉब को अप्लाई करने के लिए जो नंबर मैं यहाँ पर दूंगा उसी नंबर पर आपको मतलब डॉक्यूमेंट अपना भेजना रहेगा, ठीक है। अब समझ लो कि ड्यूटी व्यूटी क्या है, सैलरी क्या रहेगा और उसके बाद में उम्र कितना चलेगा, सारा डिटेल और किस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना रहेगा वो सारा डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ। तो 5 मिनट आपका लूँगा, अगर आप पूरा वीडियो देख के फिर अपनी जॉब को प्रोसेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करें तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वीडियो ख़त्म होने के बाद में क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखेंगे तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि जो वैकेंसी जो है हमारे पास में गल्फ़ कंट्रीज़ का बहुत अच्छा अच्छा काम आता है और बहुत सारा कैटेगरी होता है, जो मैं डिटेल में यूट्यूब पे पूरी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता है इतना वीडियो बनाने के लिए। तो लेकिन एक वीडियो को कैसे भी करके हम एक वीडियो डेली डालते हैं, लेकिन जो वैकेंसी बच जाता है वो आप टेलीग्राम पर रहेंगे तो कोई भी मिस नहीं करेंगे, आपको जितना भी वैकेंसी आएगा जॉब के बारे में डिटेल आपको टाइम टाइम पे अपडेट मिलता रहेगा टेलीग्राम पे, डिमांड लेटर के साथ जो कंपनी डिमांड भेजती है, ठीक है। तो यही है कि आप टेलीग्राम वीडियो ख़त्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो कल तक बने रहिए और वीडियो ये कर लेते हैं स्टार्ट जिसके बारे में बात करेंगे। तो सऊदी अरब के अंदर हॉस्पिटल है और गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल है, मुस्तशफा खालिद किंग खालिद, ठीक है। तो इसके अंदर हॉस्पिटल क्लीनर के लिए रिक्वायरमेंट है, जो 200 बंदे चाहिए इस हॉस्पिटल में, और वीज़ा कोई सप्लायर नहीं है, डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा लगेगा, हॉस्पिटल का यानी वीज़ा लगेगा। और उसके बाद में कंपनी आपको रूम, इकामा और मेडिकल इंश्योरेंस इतना भी फैसिलिटी होती है सब कंपनी देगी। 2 साल का ये एग्रीमेंट हुआ, 2 साल के बाद जब आप इंडिया आएंगे तो आने जाने का आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर ऊपर से कमाई ये होता है कि जैसा मतलब कोई भी मरीज है हॉस्पिटल में आता है दवा लेने के लिए या एडमिट होते हैं, तो सुबह के टाइम पे जूस वूस बाहर से ला के देना है, कुछ फल फ्रूट खाने पीने के लिए लेके आना है, तो जो आदमी वहाँ हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके लड़कों से मंगाते हैं, तो वो लोग हदिया देते रहते हैं, 50 रियाल, 100 रियाल, 20 रियाल, ठीक है। और इसके अंदर कोई मेहनत का काम नहीं होता है, मशीन सिस्टम रहता है, वो अपना थोड़ा मतलब साफ़ सफाई करने वाला, ठीक है। अपने इंडिया का ऐसा हॉस्पिटल नहीं होता, वहाँ हॉस्पिटल बहुत VIP तरीके से बना रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है 8 घंटे ड्यूटी, हफ्ते दिन छुट्टी, रूम, इकामा, मेडिकल कार्ड, इंश्योरेंस, ये सारा चीज़ कंपनी देगी। रियाद में जाना है और उसके बाद में इसमें उम्र पासपोर्ट के हिसाब से 21 से 40 तक अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट ACR वाला भी चलेगा, ठीक है। और जो सैलरी कंपनी ने लगाया है बेसिक सैलरी, वो सैलरी लगाया है उसने 700 रियाल प्लस 3 टाइम खाना, ठीक है। अगर आपको खाना नहीं चाहिए तो 300 खाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, 8 घंटे ड्यूटी।
आप टिप्स उस मिला के और ओवर टाइम 3 से 4 घंटा डेली फिक्स है, क्योंकि मुस्तफ़ा जो है गवर्नमेंट वाला उसमें बहुत फैसिलिटी होता है ड्यूटी, इसके अंदर 24 घंटे का हॉस्पिटल ओपन होता है, ठीक है, तो ड्यूटी चेंज होता रहता है, तो इसके अंदर इसके वजह से आपको ओवर टाइम दबा के मिलता है 3-4 घंटा। और जो गवर्नमेंट जॉब है ये, इसके अंदर मतलब बेनिफिट बहुत अच्छा होता है, कंपनी बेनिफिट भी बहुत अच्छी देती है, ठीक है। तो अगर आप इसमें जाएंगे तो आराम से आप 2000 तक 1800-2000 तक सैलरी कहीं नहीं जाएगा, आराम से इसमें उठा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो बंदे हैं वो बेसिक सैलरी जो अपना सोचते हैं, देखो कुछ होता है कि बेसिक सैलरी कम मिलता है लेकिन ऊपर से फ़ायदा ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे हमारा बेसिक सैलरी 1 लाख हो तो आपको कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, और ऐसा सोचने वाले कभी बाहर जा नहीं सकते, ठीक है। जो बंदा बाहर रह के आया हुआ है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कोई भी काम में अगर बाहर गए होंगे तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि कुछ कुछ काम ऐसा भी होता है कि जिसमें सैलरी कम रहता है लेकिन ऊपर से बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इसी चीज़ है, जैसा अब इस हॉस्पिटल क्लीनर हो गया और मस्जिद क्लीनर हो गया, ये सब में हमेशा सैलरी कम रहेगा, लेकिन बहुत से आदमी सुनते हैं यार कि हमारा इतने में क्या होने वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ऊपर से कमाई कितना इसके अंदर होता है। तो अगर आप जाना चाह रहे हो, हल्का फुल्का काम ढूंढ रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर हमारे सराय लेंगे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इस जॉब में ज़रूर जाइए, क्योंकि इसमें कोई मेहनत का काम नहीं होता है, अच्छा खासा आप सैलरी इसके अंदर उठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें जाते हो तो आपको कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं देना है, वीज़ा एकदम से रेडी है, वकाला बना हुआ है, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको खाली अपना पासपोर्ट और फोटो और वैक्सीन का रिपोर्ट लेके कोई कंप्यूटर की दुकान पे जाओ, अपने बाजार में नियर में जहाँ भी चौराहा हो वहाँ से अपना पासपोर्ट फर्स्ट क्लास पेज और पासपोर्ट साइज फोटो वैक्सीन का रिपोर्ट स्कैन करवा लो और अपने फ़ोन के अंदर डाल दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ इस नंबर पे आपको भेजना है और बताना है हॉस्पिटल क्लीनर वाला जो वैकेंसी है वो मैंने देखा हूँ और उस जॉब में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इतना आपको मैसेज करना है डॉक्यूमेंट के साथ में, ठीक। आपका डॉक्यूमेंट आएगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी सिविल सिलेक्शन नहीं है, डॉक्यूमेंट आएगा, सब कुछ ओके है। उसके बाद में आपको सर्विस चार्ज बता दीजिएगा कि इसमें जाने के लिए सर्विस चार्ज ये है, ठीक है। अगर आप एग्री होते हैं तो पैसे आपको देना नहीं है कोई भी एडवांस, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि हमारा जाने के लिए क्या खर्चा जा सकता है, ठीक है। अगर आप एग्री हैं तो डायरेक्ट आपको वीज़ा आप बता दो कि हाँ मैं जाना चाह रहा हूँ, तो आपको वीज़ा नंबर मिल जाएगा और आप ऑनलाइन धमका निकालिए और उसके बाद में मेडिकल कहीं से भी आप कर सकते हैं, मेडिकल के लिए कहीं आना जाने की जरूरत नहीं, आपको जहाँ नज़दीक पड़े वहाँ से मेडिकल कराइए, फिटनेस देखिए, फिट होते हैं तो आप बता दीजिए मेरा मेडिकल हो गया, फिट हो गए हूँ अब आगे क्या करना है, तो आगे आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कि ऑफिस कहाँ है और डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है। आप बाय कोरियर से भी भेज सकते हैं, तो आप ऑफिस विजिट करके भी डॉक्यूमेंट ला के जमा कर सकते हैं, आपका वीज़ा लग जाएगा, वीज़ा कॉपी आपको दिया जाएगा, आप चेक करिए ऑनलाइन सारा चीज़ ओके है, पेमेंट करिए, टिकट हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस है। तो अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो जिस तरीके से बताएँ उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके उसके बाद में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को इसका लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल पे आपको ऐसे लेटेस्ट जॉब के बारे में अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।